प्रो कबड्डी सीजन 9 में कुल यहाँ पे 109 मैचेस कंप्लीट हो चुके। आज के दिन भी दो मैचेस खेले गए थे एंड ये दो मैचेस कंप्लीट होने के बाद पॉइंट्स टेबल बिल्कुल बदल चुका है एंड सभी टीम्स के सिनेरियो भी बदल चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स टेबल डिटेल में बताने वाला हूँ कितने मैचेस जीतने हो गए ताकि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग नेल बाइटिंग मैचेस फ्री में लाइव देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रो कबड्डी के मैचेस को फ्री में लाइव देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब स्टार्ट करते सबसे पहले नंबर 12 से। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 12 पे तेलुगु टाइटन्स की टीम है। तेलुगु टाइटन्स की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से दो मैच जीती है, 17 मैच हारी है 15 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस -186 का चल रहा है एंड तेलुगु टाइटन्स की टीम ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 11 पे गुजरात जायंट्स की टीम है। गुजरात जायंट्स की टीम ने 18 मैचेस खेले जिसमें से 6 मैच जीती है, 11 मैच हारी है, एक मैच टाई रहा है 41 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस -38 का चल रहा है एंड गुजरात जायंट्स की टीम भी बाहर हो चुकी है, लेकिन चारों मैचेस जीत जाती तो इनके पास टोटल 61 पॉइंट्स होने वाले एंड अभी तक 61 पॉइंट्स से कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं किए। तो आप मान के चल सकते हैं कि गुजरात जायंट्स का जो भी चांसेस बचे थे वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 10 पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम है। हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने 18 मैचेस खेले जिसमें से 7 मैच जीती है, 9 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है 46 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस -16 का चल रहा है। अब हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने आज यहां पे यू मुंबा को हरा दिया है एंड इसी के कारण हरियाणा स्टीलर्स की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। हरियाणा स्टीलर्स के अभी भी 4 मैचेस बचे हुए एंड चारों मैचेस जीत जाती है तो 100% हरियाणा स्टीलर्स की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो इनको बस अपने बचे हुए चारों मुकाबले कैसे भी करके जीतने होंगे, एक भी मुकाबला हारती है तो हरियाणा स्टीलर्स की टीम एलिमिनेट हो जाने वाली है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 9 पे पटना पायरेट्स की टीम है। पटना पायरेट्स की टीम ने 18 मैचेस खेले जिसमें से 7 मैच जीती है, 8 मैच हारी है, 3 मैचेस टाई है 48 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस -36 का चल रहा है। पटना पायरेट्स का अभी सिनेरियो थोड़ा अच्छा हो रहा है बिकॉज ऊपर वाली टीम्स हार रही है, इनके 4 मुकाबले बचे हुए एंड इनको कम से कम 3 मुकाबला कैसे भी करके जीतना होगा। आप मान के चल सकते कि चारों मुकाबले जीतने, लेकिन 3 मुकाबला जीतते हैं इनके जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। स्कोर डिफरेंस इनको दिक्कत देने वाला था, आप स्कोर डिफरेंस के बदौलत यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 4 मुकाबला जीते तभी बेहतर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 8 पे बंगाल वॉरियर्स की टीम है। बंगाल वॉरियर्स की टीम ने कुल यहाँ पे 18 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 8 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है 49 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस +31 का चल रहा है। बंगाल वॉरियर्स का जो सीनरी है वो भी सिमिलर है, 4 मुकाबले में से इनको 3 मुकाबला जीतना होगा एंड इनका स्कोर डिफरेंस काफ़ी बेहतर चल रहा है। 3 मुकाबला जीतती है तो स्कोर डिफरेंस के साथ ही साथ यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम इजिली टॉप 6 में एंड कर पाएगी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 7 पे यू मुंबा की टीम है। यू मुंबा की टीम ने 18 मैचेस खेले जिसमें से 9 मैच जीती है, 9 मैच हारी है 50 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस -5 का चल रहा है। अब यू मुंबा की टीम को हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने हरा दिया है एंड इसी के साथ यू मुंबा का सिनेरियो भी अब बाकी टीम्स की तरह सेम हो चुका है। इनके 4 मुकाबले बचे हुए एंड इनको 3 मुकाबला कैसे भी करके जीतना होगा, अगर 2 मुकाबले हार जाती है तो यू मुंबा की टीम भी एलिमिनेट हो जाने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको टॉप 6 टीम्स के बारे में बताऊँ, इससे पहले बता देना चाहता हूँ अगर आपको पीकेएल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे फिल्टर कबड्डी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रो कबड्डी के लेटेस्ट अपडेट एंड और भी इंटरेस्टिंग कबड्डी के कॉन्टेंट होते डेली हम शेयर कर रहे हैं। तो जितने भी ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता ही होगा, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। दोनों टेलीग्राम चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 6 पे दबंग दिल्ली की टीम है। दबंग दिल्ली की टीम ने 18 मैचेस खेले जिसमें से 9 मैच जीती है, 9 मैच हारी है 51 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस
+3 का चल रहा है। अब दबंग दिल्ली का सिनेरियो भी सेम है बाग जैसे कि निचले तीन टीम्स का था, चार मुकाबले में से इनको तीन मुकाबले जीतने हो गए, इनका स्कोर डिफरेंस भी बेहतर है एंड दबंग दिल्ली के अब चांसेस थोड़े अच्छे लग रहे बिकॉज दबंग दिल्ली के पास 51 पॉइंट्स है एंड तीन मुकाबला जीते इनके पास टोटल 66 पॉइंट्स हो जाने वाले, तो कैसे भी करके तीन मुकाबला जीतेगी तो क्वालिफाई कर जाएगी, दो मुकाबला हारेगी तो एलिमिनेट हो जाने वाली है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर पांच की तरफ, यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर पांच पे तमिल थलाइवास की टीम है। तमिल थलाइवास की टीम ने 18 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 7 मैच हारी है, 3 मैचेस टाइड है, 53 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -15 का चल रहा है। अब तमिल थलाइवास का सिनेरियो क्या है बिकॉज यहाँ पे तमिल थलाइवास की टीम अभी बहुत ही कंफर्टेबल जोन में चल रही है, इनके चार मुकाबले बचे हुए एंड इनको कम से कम दो मुकाबले कैसे भी करके जीतने होंगे, इनके पास 63 पॉइंट्स हो जाने वाले एंड कोशिश ये करना है कि जो बचे हुए दो मुकाबले वो यहाँ पे कम मार्जिन से हारे, दो पॉइंट्स वहां से भी कलेक्ट कर सकती है तो टोटल इनके पास 65 पॉइंट्स हो जाने वाले, तो यहाँ पे तमिल थलाइवास की टीम के बहुत ज़्यादा चांसेस है एंड दो मुकाबला जीतते ही तमिल थलाइवास की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर चार की तरफ, यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर चार पे यूपी योद्धास की टीम है। यूपी योद्धास की टीम ने 18 मैचेस खेले जिसमें से 10 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, 2 मैचेस टाइड है, 60 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +46 का चल रहा है। अब यूपी योद्धास का सिनेरियो बहुत ही सिंपल हो चुका है, इनको अपने बचे हुए चार मैचेस में से सिर्फ एक मैच और जीतना होगा देन यहाँ पे यूपी योद्धास की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी एंड क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ यहाँ पे टॉप टू में भी एंड कर सकती है। टॉप टू में एंड करने के लिए मुझे लगता है कि बचे हुए चारों मुकाबले इनको जीतने होंगे, तीन मुकाबला जीतते भी कर सकती है लेकिन चार मुकाबला जीतेगी तब यहाँ पे इनके चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाने वाले हैं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर तीन की तरफ, यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर तीन पे बेंगलुरु बुल्स की टीम है। बेंगलुरु बुल्स की टीम ने 18 मैचेस खेले जिसमें से 11 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, 1 मैच टाई रहा है, 63 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +49 का चल रहा है। बेंगलुरु बुल्स की टीम तो वैसे तो क्वालिफाई कर चुकी है, इनको बस अब टॉप टू के लिए देखना है, इनका अगला मुकाबला जयपुर के खिलाफ ही होने वाला है, वो मुकाबला जीत जाती है तो आप मान के चल सकते हैं कि जयपुर की टीम अब बेंगलोर की टीम टॉप टू में एंड कर जाएगी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर दो की तरफ, यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर दो पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने 18 मैचेस खेले जिसमें से 12 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, 64 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +114 का चल रहा है। अब जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है एंड इनको बस अब लगभग मान के चल सकते हैं कि 2 से 3 मुकाबले और जीतने देन यहाँ पे जयपुर का ये कंफर्म हो जाएगा कि टॉप टू में जयपुर की टीम डेफिनेटली एंड करेगी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर एक की तरफ, यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर एक पे पुनडी पल्टन की टीम है। पुनडी पल्टन की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 12 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, 2 मैचेस टाइड है, 69 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +53 का चल रहा है। अब पुनडी पल्टन की टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए एंड इनको बस दो मुकाबले और जीतने हो गए कंफर्म करने के लिए टॉप टू में एंड के लिए एंड एक मुकाबला भी जीती है तब ये कंफर्म हो जाएगा कि पुणे की टीम टॉप टू में एंड करने वाले। तो अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे नंबर एक पे पुनडी पल्टन की टीम है एंड वहीं पे बॉटम पे तेलुगु टाइटंस की टीम है। आपकी फेवरेट टीम अभी कौन से रैंक पे है कमेंट करके जरूर बताएगा एंड अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के दो मैचेस के बारे में। तो आज का पहला मुकाबला बेंगलुरु बुल्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा एंड वहीं पे दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में खेला जाएगा। जो पहला मैच है वो यहाँ पे रेस टू टॉप टू के लिए होने वाला है, जो भी टीम मुकाबला जीतेगी लगभग आप मान के चल सकते हैं कि वो टीम कन्फर्म हो चुकी है कि टॉप टू में एंड करेगी एंड वहीं पर दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली एंड तमिल थलाइवास के बीच में खेला जाएगा। दबंग दिल्ली को भी 4 में से 3 मुकाबले जीतने एंड तमिल थलाइवास को 4 में से 2 मुकाबले जीतने हैं तो तमिल थलाइवास की टीम जीतेगी तो प्लेऑफ के लिए और करीब आ जाएगी एंड अगर तमिल थलाइवास की टीम मुकाबला हार जाती है देन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न पॉइंट्स टेबल में आने वाला है। तो कमेंट करके चलो बताएं कि दोनों मैचेस कौन सी टीम जीत सकती है एंड इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैक्सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग।